भगवान शालिग्राम, गोमती चक्र, तांबे का पात्र, तांबे के पात्र में चंदन से यंत्र और उसके ऊपर तुलसी, फिर जलाभिषेक पुरुषोक्त के मंत्रों से अथवा जो भी मंत्र उनको स्मरण है उससे गरुड़ घंटी की नाद, इस प्रकार से नौ वस्तुओं के सम्मिलित होने पर चरणामृत बनता है। चरणामृत का मतलब ये नहीं है कि चरण का धोया हुआ जल, वो चरणोदक नहीं है, वो एक विशेष प्रकार से भगवान शालिग्राम को स्नान कराने की विधि है और उस विधि से प्राप्त हुआ जो चरणामृत है उसके विषय में मंत्र में कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम।